पाकिस्तान बार बार भारत से मार खाता फिरता है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से जम्मू कश्मीर में भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान आए दिन नए तरीके अपनाता रहता है। आमने सामने के युद्ध में पराजय मिलने के बाद पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों के सहारे भारत में अशांति फैला रहा है। इतने भर से उसका मन नहीं भरा तो उसने पाकिस्तानी सेना के कुछ जवानों को मिलाकर बॉर्डर एक्शन टीम बैट का गठन किया। इस टीम में दक्ष निशानेबाज होते हैं, जो अत्याधुनिक लेंस से लैस राइफल्स की मदद से भारतीय जवानों को निशाना बनाते हैं। पिछले कुछ समय से बैट से मुकाबला करने में देश के जवानों को परेशानी आ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत एक ऐसी तरकीब ढूंढ ली है जिसमें कैंप में बैठे जवान रिमोट का बटन दबाएंगे और वहां नापाक पाक के बैट शूटरों की लाशें गिरती चली जाएगी। दरअसल सेना ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन, AK-47 और AK-56 जैसी राइफलें रिमोट के जरिए संचालित हो सकेगी। जानकार बताते हैं कि इस तकनीक से अत्याधुनिक राइफल्स को बॉर्डर पर तैनात करके थोड़ी दूर पर कैंप में बैठकर रिमोट के जरिए फायरिंग की जा सकेगी। इस तकनीक के जरिए भारतीय सेना के जवान राइफल से 100 मीटर की दूरी से ही देश के दुश्मनों को निशाना बना सकेंगे। इस तकनीक का लखनऊ स्थित अजरूनगंज फायरिंग रेंज और 11 GRRC की शॉर्ट रेंज में इसका सफल फील्ड ट्रायल किया गया है। जल्द ही इसे सेना को सुपुर्द किया जाएगा।